मैगी ओट्स नूडल्स, मेरे को पता भी नहीं था ओट्स वाला है। सो ओट्स वाला है मतलब ये तो हम लोग खा भी सकते, मतलब पहले आटा नूडल्स खाते थे जो हेल्थ फ्रीक है। घर में करंट ऑफ है करके मैं एक तो वीडियो नहीं बना पाया, वीडियो बना भी पाया तो उसको एडिट नहीं कर पाया, अगर एडिट भी कर लिया तो उसको अपलोड नहीं कर पाया। और आज करीबन करीबन एक हफ्ता बाद धूप निकला था तो मेरे को एक गाना याद आया था कि वो प्यारा एक गाना है, मैं अंडमान को डेडिकेट करना चाहता हूँ। लेकिन ये हालत देखो क्या हो गया, 2 मिनट मतलब लास्ट 2 मिनट नहीं एग्जैक्टली 10 मिनट बोल सकते हो, 10 मिनट हुआ था कि धूप निकला था और ऐसा हालत हो गया। अभी देखो खतरनाक तूफान, उसके साथ खतरनाक बारिश हो रहा है। अभी इसमें आप क्या बोलोगे, क्या छोड़ो, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन, आप लोगों का बॉम बाइसेप्स। एक चीज़ मैं बहुत 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 ही थैंकफुल हूँ, आप लोगों को पता चल ही रहा होगा किसके लिए, क्योंकि ये जो वेदर अभी बारिश उसके साथ हवा, इसका मैं पूरा लुत्फ उठा सकता हूँ यहाँ पे। और ये मेरा सिर्फ और सिर्फ मुमकिन है ये बैल्कनी के लिए। बेसिकली ये घर जब मैं रेंट के लिए लेने के लिए आया था रेंट पे, तभी मैं ये बैल्कनी देखती बेसिकली और ज़्यादा फिदा हो गया था, क्योंकि ये बैल्कनी ये टाइम में मेरे को पता है कितना मज़ा आता है। और रात को अगर ऐसा हल्का हल्का ड्रिजलिंग हुआ, हवा चला, यहाँ पे आराम से चेयर लेके बैठो, मेरे को मालूम है कि थोड़ा बैठना मुश्किल है, लेकिन फिर भी थोड़ा कोशिश करके एडजस्ट करके अगर बैठ के ये हवा का मज़ा ले सकते हो ना, खतरनाक वाला, मतलब वो एकदम क्या बोल सकते हैं, हम लोग का कोलकाता वाला जो हम लोग हैं ना, जो ऊंचा महल में रहते हैं वो लोग महसूस कर सकते हैं, जो थोड़ा सा नीचे मतलब चारों तरफ घर वार है वो लोग ये हवा ये मौसम नहीं कर सकता महसूस। वो बोलोगे मैं शायद से कोलकाता को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई, कोलकाता को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, क्योंकि वहाँ पे इतना घर बार, अभी वहाँ पे इंडस्ट्रियल बेल्ट बन रहा है तो ज़्यादा घर बन रहा है, ज़्यादा बिल्डिंग्स बन रहा है, इनोवेट हो रहा है, सिटी आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ पे तो होगा ही भाई ये हवा का जो यहाँ पे जो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आइलैंड को मेंटेन करने के लिए ऐसा बनाया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे खाली खाली है सब कुछ। लेकिन कोलकाता में ऐसा नहीं हो, कोलकाता पे ये एक घर है तो सामने एक घर है, फिर उसके सामने और एक घर है, तो ऐसे कैसे हो पाएगा वहाँ पे। तो जहाँ पे जो पॉसिबल नहीं है वो पॉसिबल नहीं है, नहीं बोला जाता कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय, क्योंकि वहाँ पे रात पे भी जाओ अंधेरा में, वहाँ पे भी लाइट चमकता रहेगा जो अंडमान में नहीं होगा। सो क्रिटिसाइज नहीं भाई, जो जहाँ का जो फैक्ट है वो फैक्ट ही है। बहुत बहुत थैंकफुल हूँ बेसिकली बहुत सारा चीज़ के लिए, लेकिन एक मेन चीज़ है, यहाँ पे बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं, बहुत लोग ब्लॉगिंग बनाने के लिए आते हैं, लेकिन वो पैसा दे के आते, लेकिन मेरा चीज़ अलग है, मैं यहाँ पे आया हूँ मेरे को उल्टा पैसा मिलता है। बेसिकली मेरे को यहाँ पे काम के सिलसिले में आते मतलब आया हूँ यहाँ पे काम के सिलसिले में, तो आप लोगों को जो मेरे को पहले से जानते हो, पहले से ब्लॉग देखते हो, उन लोगों को तो पता ही है कब मैं यहाँ पे आया, उसके सिलसिले में ब्लॉग भी बनाया था। लेकिन वही फैक्ट है कि बहुत लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं अपना पैसा खर्च करने के लिए, बहुत लोग यहाँ पे ब्लॉग बनाने के लिए आते हैं अपना पैसा खर्च करके, लेकिन मैं यहाँ पे पैसा खर्च नहीं करता, उल्टा मेरे को पैसा मिलता है। आज तक हम लोगों ने देखा है कि फ़ोन का अनबॉक्सिंग, फ्रिज का, टीवी का, सब कुछ का, आज फर्स्ट टाइम यूट्यूब में फर्स्ट टाइम हो रहा है जो है कि सिम का अनबॉक्सिंग, जो ये करने वाला है मेरा बीवी करने वाला है सिम का अनबॉक्सिंग। के हाथ से कुछ भी अनबॉक्सिंग करने का मतलब होता है लक्ष्मी जी राधा रहे। अच्छा, सिम का अनबॉक्सिंग से क्या कनेक्शन है लक्ष्मी जी का? अरे इससे ही तो सबसे मतलब बड़ा राज छुपा है। अभी उसमें क्या क्या है वो बोलो। अच्छा। उसमें एक तो सिम है, अनबॉक्सिंग ठीक से करो अगर कर रहे हो तो। अच्छा, वो और कुछ नहीं है, और कुछ एक नहीं, सिम ही है। अच्छा, अभी ऐसा ये भी नहीं देता इसमें। अच्छा देखो भाई, सब कुछ पेपर सेव, इसके अंदर ही पूरा फॉर्म डाल दिया ये कागज़ के अंदर, और सिम कार्ड अलग से। सो ये बेसिकली मैंने पोर्ट किया ये नंबर को, दूसरा मेरा एक वोडाफोन नंबर था उसको मैं पोर्ट कर लिया जियो में, क्योंकि अंडमान में जियो नेटवर्क अभी रिसेंटली आया है लेकिन खतरनाक वाला स्पीड देता है, एयरटेल की तरह स्पीड देता है, तो इसलिए मैं इसको पोर्ट कर लिया वोडाफोन नंबर को जियो में। रात को आसमान पूरा साफ हो गया था, सुबह सुबह उठ के देखा धूप निकला है, क्योंकि मैं जितना भी पर्दा था घर का सब धोने के लिए दे दिया था, तो सुबह सुबह धूप आया, मतलब धूप क्या सनलाइट गिरा, नींद टूट गया।
अभी उसने देखा कि अच्छा धूप निकला है, चलो दिन भर अच्छा जाएगा, लेकिन हालत देखो अभी, अभी हालत देखो कल की तरह, कल से ज़्यादा बारिश हो रहा है और मतलब खतरनाक। सुबह उठ के देखा कि अच्छा धूप निकला है, अच्छा फ्रेश माइंड हो गया, चलो बहुत दिन के बाद धूप नज़र आया है, बहुत दिन के बाद, चलो आज आराम से काम होगा, थोड़ा गर्मी होगा लेकिन आराम से काम कर सकते। अभी वेदर देखो, बारिश हो के क्या हालत बना लिया, और यहाँ पे क्या है एक्चुअली बारिश जब होता है ना पूरा पचपचा हो जाता है, तो इससे ज़्यादा ये होता है। और यहाँ का बारिश कोई भी रेनकोट नहीं मानेगा, जितना भी महंगा रेनकोट खरीद लो अंदर पानी जाएगा, क्योंकि इतना अगर रेनकोट पहन के काम कर सकते थे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन रेनकोट पहन के भी काम नहीं कर सकते तो क्या होगा बोलो। अभी रेनकोट पहन के काम करने से क्या होता है, इधर उधर जा सकता हूँ, भाग सकता हूँ, रेनकोट के अंदर ही अगर आप भीग जाओगे तो काम कैसे करोगे। फिलहाल चलो अभी बारिश थोड़ा रुका है, थोड़ा सा धीमा हुआ है, मैं फटाफट रेडियो के निकलता हूँ क्योंकि मेरा एयरपोर्ट पिकअप भी है, और अभी फटाफट निकलते हैं क्योंकि कब बारिश फिर से बढ़ जाएगा पता नहीं है। अभी हालत देखो, ऊपर देखो आसमान क्लियर हो रहा है, बादल हट रहा है, आसमान क्लियर हो रहा है, फिर से धूप निकल आएगा। धूप जब निकलेगा मैं आपको दिखाऊंगा, जब बारिश होगा मैं आपको दिखाऊंगा। फिर आपको मैंने ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाया क्योंकि कल रात को आया, आने के बाद थोड़ा बहुत वो सिम का एक हेरा फेरी था, वो दूसरा फ़ोन में डाला, फ़ोन का थोड़ा सेटिंग्स वगैरह करना था, दो फ़ोन अभी यूज़ कर रहा हूँ, दो फ़ोन में दो दो अलग अलग सेटिंग्स करना था, तो ये सब करते करते फिर टिफिन मतलब रात का डिनर वगैरह बनाया, उसके बाद थक गया था, सो गया था, तो अभी सुबह सुबह उठा है, ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ माई लाइफ। तो सुबह सुबह काम ख़त्म करके जैसे ही मैं घर आ रहा था, मैं सोचा कि घर में टिफिन नाश्ता वगैरह कुछ नहीं है, सो क्या करूँ, मैं सोचा थोड़ा मैगी ले लेते, मैगी मतलब मैं आटा नूडल्स खाता हूँ, वही मैं लेने के लिए गया था। तो मैं सोचा कुछ अलग फ्लेवर अगर मिलेगा तो मैगी वेजीज है, मसाला वेजीज, अभी बहुत सारा डिफरेंट टाइप, लेकिन रिसेंटली एक फ्लेवर निकला है, फ्लेवर मतलब एक डिफरेंट टाइप का मैगी निकला है जो मेरे को इतना दिन से पता भी नहीं था, वो है ये वाला मैगी ओट्स नूडल्स, मेरे को पता भी नहीं था ओट्स वाला है। सो ओट्स वाला है मतलब ये तो हम लोग खा भी सकते, मतलब पहले आटा नूडल्स खाते थे, जो हेल्थ फ्रीक है, जो लोग हेल्थ फ्रीक है, हेल्थ के लिए सोचते हैं, वो तो मैदा का चीज़ एकदम अवॉइड करना चाहिए उन लोगों को, मैं तो मैदा का चीज़ एकदम अवॉइड करता हूँ, लेकिन ये वाला है फिलहाल ओट्स का। अभी इसको बना के देखते हैं क्योंकि मेरे को इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिंगल एक्सपीरियंस नहीं है इसका खाने का। सो ये बहुत दिन पहले एक्चुअली निकला है, करीबन एक दो महीना हो गया है, लेकिन आज जाके मेरा हाथ लगा है। सो मैं ऑब्वियसली भाई ये सब तो कंटेंट में दिखाना बनता है ना भाई, सो इसीलिए मैं लेके आ गया, अभी इसको बनाऊंगा, बना के आपको बताऊंगा टेस्ट कैसा है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। कुछ इस तरीके का मैगी कच्चा वाला ऐसा दिखाई देता है, थोड़ा सा कलर जो है मतलब आटा नूडल्स की तरह कलर है, थोड़ा काला काला वाला इसका कलर है, इसलिए कैमरा हिल गया, मैं एक हाथ से ये ट्राईपॉड का एक हिस्सा को पकड़ा हूँ इसलिए हिल गया कैमरा। सो बेसिकली ये थोड़ा सा काला मतलब जो मैगी आटा नूडल्स जो खाते हो डेली उन लोगों को पता है कि मैगी आटा नूडल्स ऐसा थोड़ा सा काला काला होता है, वैसा थोड़ा सा काला काला है, लेकिन फिलहाल कच्चा वाला तो मैं खाता ही हूँ, अभी बहुत सारा कच्चा वाला टेस्ट आ रहा है, बहुत क्रंची है, अभी इसको बना के देखते हैं इसका कैसा टेस्ट है। मैंने बोला इसका मसाला में मेरे को लगता है वेजीज है, सच्ची में वेजीज है, देखो अच्छे से दिखाई देगा, यहाँ पे छोटा छोटा कॉर्न दिखाई दे रहा है, जैसे कि सूप सूप वगैरह में होता है छोटा छोटा कॉर्न दिखाई देता है, वैसा वाला इसमें भी कॉर्न अवेलेबल है। सो इसका टेस्ट तो मेरे को जितना लग रहा है स्मेल से भी कि बहुत अच्छा होने वाला है। फिलहाल खा के एक बार रिव्यू देखते, जब इसको अनबॉक्सिंग कर लिया तो एक बार यूज़ कर ली तो इसका रिव्यू देना है ना। तो प्राइस रेंज के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो मेरा रिव्यू उतना अच्छा नहीं है, टेस्ट के हिसाब से मैं बोलूँगा अच्छा है, लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा इसीलिए नहीं है क्योंकि आटा नूडल्स में जितना मिलता है उतना इसमें नहीं है, उससे कम ही है, मतलब इसका उतना ज़्यादा मतलब दो आटा नूडल्स में जितना ज़्यादा क्वांटिटी होता है उतना ज़्यादा क्वांटिटी इसमें नहीं है, थोड़ा कम ही है, थोड़ा मतलब कम ही है, ठीक है। एक नॉर्मल जैसे 5 रुपये का मैगी दो मैगी मिला के जितना होता है उतना ही है इसका क्वांटिटी, सो इसलिए मेरा क्वांटिटी के हिसाब से नहीं है, टेस्ट के हिसाब से मैं अच्छा रिव्यू दे सकता हूँ, अच्छा है। टेस्ट के मामले में मैं 100 में 100 दे दूंगा क्योंकि टेस्ट जो है चटकदार टेस्ट है, आटा नूडल्स का जो टेस्ट है उससे भी चटकदार टेस्ट है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, एक स्पाइसी फ्लेवर होता है, तो ठीक है उसमें 100 में 100 दे सकता हूँ, लेकिन क्वांटिटी के मामले में 100 में 60 मैं दूंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि क्वांटिटी बहुत ही कम है एज पर प्राइस के मामले में, मतलब प्राइस जितना हाइप होके रखा है, जितना ज़्यादा होके रखा है उसके मामले में क्वांटिटी कम है।
तो मैं सभी को एक बार बोलूंगा खाके एक बार टेस्ट करके तो देखो एटलीस्ट आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग भी कमेंट में बताओ, टेस्ट करके बताओ कि कैसा है।